दिस इज उमा, वेलकम टू आवर टूमी। कैसे हैं आप सब लोग? आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आई नो, मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ, पर ये वाली वीडियो बाकी सबसे कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम बनाएंगे 3D कास्टिंग, हैंड को हम कास्ट करेंगे। और ये पैकेट ना, सच बताऊं, 7 साल पुराना है। जब मेरी डॉटर हुई थी उस टाइम पे मैंने पैकेट खरीदा था कि उसके हैंड कास्टिंग बनाऊंगी, पर वो हुआ नहीं। और ये बाई चांस मुझे पुराने कबाड़ में पड़ा हुआ मिल गया और मैंने सोचा इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं वीडियो कैसी होती है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो बेसिकली यहाँ पे दो तरह के पाउडर हैं, एक है इम्प्रेशन पाउडर, जिसको कि मैं अभी एक बॉक्स के अंदर, एक डब्बे के अंदर डाल के मिक्स करूंगी। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी लगा, 3-3.5 ग्लास पानी इसको मिक्स करने में लगा, और मैं बहुत ही ज़्यादा डाउटफुल थी, क्योंकि ये 6 से 6.5 साल पुराना पैकेट है, ये एक्सपायर ना हो गया। और मुझे इसको देख के लग रहा था यहाँ तो कुछ गड़बड़ हो रही है इसमें, मतलब ये कुछ तो इसके साथ गड़बड़ है। पर फाइनली अच्छे से पेस्ट बन गया। ये थोड़ा हमने पतला ही रखा ताकि हम अच्छे से इसके अंदर हाथ डाल दें। मैंने और अमायरा ने दोनों ने ऐसे हाथ पकड़ के और इसके अंदर डाला। ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा था और हम ऐसे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, तो हमने थोड़ा सा, जब ये सेट हुआ, हम इसको लेके बैठ गए, क्योंकि वो बहुत ही अनकंफर्टेबल था, खड़े नहीं हो सकते थे इतनी देर तक हाथ प्रेस करके। तो ये बहुत ही ज़्यादा मुझे इस टाइम पे मज़ा आ रहा था, क्योंकि लग रहा था कि पता नहीं कैसे होगा, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और वैसे हमें इसको 10-15 मिनट लगे इसको मोल्ड को सेट होने में, और हमने इससे बहुत ही केयरफुली हाथ बाहर निकाला। अब मैं दूसरा वाला जो कंपोनेंट है, जिसको कास्टिंग पाउडर कहते हैं, उसको मिक्स करूँगी। एक तरह से प्लास्टर ऑफ पेरिस टाइप होता है ना पाउडर, उस तरीके का है। इसके अंदर अच्छे से पानी मिक्स करके थोड़ा पतला सा इसका पेस्ट यहाँ पे हम बना लेंगे। तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये मुझे मिल जाएगा, और इसके लिए, इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊँगी अपने चैनल पे। सोचो जब मैंने लिया था तब किस चीज़ के लिए लिया था। हालांकि काम वही हो रहा है, अभी भी मैं अपनी डॉटर के साथ एक बहुत ही प्यारी सी मेमोरी क्रिएट कर रही हूँ, तो यही मेरा पहले भी पर्पस था। पर वो जब छोटी थी उस टाइम पे हम उस नहीं कर पाए, क्योंकि पानी एक तो इसमें ठंडा लगना था, और इतनी देर तक हमें लगा बच्चे का हाथ हमें नहीं डालना चाहिए, और बस वो किसी ना किसी तरह से रह ही गया। और ये तो लकीली मुझे ये मिल गया, और मैंने कहा चलो इसको ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट बना लिया है, और इसको अब हम पोर करेंगे अपने मोल्ड के अंदर। तो ये वाला प्रोसेस मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लग रहा था, इसके अंदर अच्छे से सेट करना पूरा का पूरा, इसके अंदर जो पेस्ट है उसको डालना। और इसको सेट होने में मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। इसको मैंने ऊपर तक पूरा फिल कर दिया है। अब इसको थोड़ा टैप कर रहे हैं कि जो अंदर की कैविटीज़ है वहाँ तक प्लास्टर चला जाए अच्छे से। तो इसको हमने रखा है थोड़ी देर के लिए। अब मैं हाथ से टच करके देख रही हूँ कि ये सेट हो गया है, काफ़ी हद तक सेट है। अभी भी हल्का हल्का गीला सा लग रहा है, पर मोल्ड डी मोल्ड किया जा सकता है मुझे लगता है। तो इसको टैप करके आराम से मैं बहुत ही केयरफुली निकाल रही हूँ, और मैंने फिंगर एकदम क्रॉस करके रखी हुई है कि सब कुछ ठीक ठाक हो। थोड़ा सा यहाँ से ओवर स्पिल हो गया है, शायद हमारी फिंगर नीचे लग गई थी या क्या था, इस वजह से प्लास्टर बाहर आ गया है। पर आई थिंक उसको हम बाद में देखेंगे, पहले ज़रा इसको डी मोल्ड करके देखें। तो आई एम सो एक्साइटेड, एक एक करके इसको डीमोल्ड करते हैं। ये इस तरीके से कितने आराम से ये टूट जा रहा है, कितने आराम से निकल रहा है ये जो भी मोल्ड बनाया था। और एक एक लेयर बाय लेयर में निकालते हुए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी। अमायरा भी इक्वल एक्साइटेड थी। तो देखते हैं फाइनली कैसा निकल के आता है। जो हमने ट्राई किया वो काफ़ी हद तक लग रहा सफल हो गया है। फिंगर्स इतनी अच्छी बनी है ना, इतनी अच्छी इंप्रेशन आए हैं ना, नेल्स और छोटी छोटी डिटेल्स बहुत ही अच्छे से इसके अंदर ना कैप्चर हुई है। थोड़ा सा कहीं कहीं पे ओवर स्पिल हुआ है, वो हम थोड़ा सा कर लेंगे ठीक, उसको हम बाद में फिक्स कर सकते हैं। लुक एट द फिंगर्स, कितनी सुंदर लग रही है। ये ऊपर हमारा के फिंगर्स हैं, उसके हाथ छोटे हैं ना, तो उसकी फिंगर्स पूरी अच्छे से बंद नहीं हुई थी, वहाँ पर थोड़ा सा स्पिल हुआ था हमारा के फिंगर्स के पास यहाँ पर। सो आई एम सो हैप्पी एंड सेटिस्फाइड कि फाइनली मैंने जो बनाया वो बहुत ही अच्छा बन गया, और हमारी मेहनत सफल रही, और इस पैकेट ने भी इतने सालों बाद भी बहुत ही अच्छा काम किया है। मीनवाइल जब तक उसको थोड़ी देर हमने सेट होने के लिए और छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे हल्का हल्का गीला लग रहा था, एक मेरे पास यहाँ पे वुडन ट्रे है, उसको हम रेडी कर लेते हैं, क्योंकि तो हमें बेस तो चाहिए, कोई फ्रेम तो चाहिए जिसके अंदर हमें अपना ये शोपीस हम रखें। तो इसको एक्रेलिक पेंट से पेंट कर लेते हैं अच्छे से। पेंट भी ड्राई हो गई है, और हमारा जो
कास्टिंग है वो भी ड्राई हो गई है, इसको अब हम क्लीन करते हैं और सो थोड़ा सेट करते हैं कि जहाँ जहाँ पे एक्स्ट्रा बफिंग की और सैंडिंग की ज़रूरत है उसको भी यहाँ पे हम क्लीन करेंगे और इसको बिल्कुल शेप में लेके आएंगे। जहाँ मेरे पास कोई टूल्स नहीं है तो मैं हम ही टेस्टर और ये सब चीज़ें जो कुछ भी है मेरे पास पॉइंटेड टूल्स उसको यूज़ करके इसको क्लीन करूँगी। अब मैंने अपना सैंडिंग और शेपिंग का काम सारा पूरा कर लिया है, एक्स्ट्रा जो था सब निकाल लिया। इसके ऊपर अब हम करेंगे वाइट कलर का एक्रिलिक पेंट। और वैसे तो वो वाला कलर भी अच्छा लग रहा था जो इसका नेचुरली था, पर मुझे लगा कि हम जब ब्लैक बेस कर रहे हैं तो एक कंट्रास्टिंग ऊपर होना चाहिए, तो बिल्कुल अच्छा वाला हम टाइटेनियम वाइट कलर इस पर कर रहे हैं। अच्छे से इसको कवर कर दूंगी। इस एंगल से देखिए जो एक एक फिंगर के रिंकल हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से दिख रहे हैं। तो अब हम ट्रे को डेकोरेट करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे फ्लावर वगैरह जो मेरे पास रखे हैं, बहुत ज़्यादा सामान तो है नहीं डेकोरेट करने के लिए, जो कुछ भी अवेलेबल है उससे हम थोड़ा सा इसको डेकोरेट करेंगे। और मैंने सोचा है इस तरीके से हम इसको प्लेस करेंगे ताकि दोनों साइड से दोनों के हाथ दिखें, और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। इसमें मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा हम लाइटिंग भी करेंगे, फेरी लाइट्स वगैरह लगा के इसको और ज़्यादा ब्यूटीफाई करें ताकि रात में हम इसमें जलाएँ लाइट, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे। तो फाइनली ऑलमोस्ट कंप्लीट है, कुछ लास्ट के फिनिशिंग टच दे रही हूँ। कुछ यहाँ पे हमने सोचा है कि हम दोनों के थंब इंप्रेशंस भी हम यहाँ पे दें, ये भी बहुत ही ज़्यादा क्यूट है और ये हमारे पास हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। और जब हमारा बड़ी हो जाएगी तब इसको देख के मिस करेगी, पुरानी चीज़ों को याद करेगी। तो यहाँ पे हम आज की डेट भी लिख देते हैं और जो कुछ भी मुझे लिखना है इसके ऊपर मैं लिख देती हूँ, एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना। सो गाइज दैट वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी आपको और आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत मिस करना, क्योंकि हर हफ्ते ऐसे ही आर्ट रिलेटेड वीडियोस मैं लेके आती रहती हूँ। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करो यार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीक।